नमस्कार साथियों साथियों, आज के वीडियो के टॉपिक में बात करेंगे कंट्रोल रूम और उसके बाद में आने वाले प्लांट के सभी उपकरण। दोस्तों, आप कभी भी देखे होंगे किसी भी सीमेंट प्लांट में या केमिकल प्लांट में, हर प्लांट में आपको कंट्रोल रूम, मेन कंट्रोल रूम तो रहता ही है। उसी के हिसाब से हम बात करेंगे अपना कंट्रोल रूम, यानी हम जहाँ पे काम करते उस जगह का कंट्रोल रूम। जिस तरह मान लीजिए कंपनी को यानी प्लांट को चलाने के लिए मेन कंट्रोल रूम यानी ऑपरेशन डिपार्टमेंट चलाता है, लेकिन उसके बगल में भी एक इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट का एक कंट्रोल रूम होता है। मेन तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट का होता है, लेकिन उसके बाद में सीएनडी डिपार्टमेंट का भी एक कंट्रोल रूम होता है। आप ये जो लैपटॉप में कंप्यूटर्स वगैरह देख रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट का लॉजिक वाला कंट्रोल रूम है। उस साइड भी एक कंट्रोल रूम होता है, इस साइड भी एक कंट्रोल रूम होता है, ऑपरेशन उसको चलाता है। ऑपरेशन चलाने के बाद इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट का कोई भी क्रिटिकल लॉजिक का प्रॉब्लम है तो सीएनडी डिपार्टमेंट को बताया जाता है, फिर सीएनडी डिपार्टमेंट उसको फाइंड आउट करने के लिए रेडी होता है। अगर प्लांट के अंदर कोई भी चीज का कोई लेवल बढ़ गया, किसी पे ट्रिपिंग है, वो सब चीज इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट देखता है। इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का भी काम होता है, लेकिन लॉजिक में ओनली सीएनडी इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट का ही होता है। आप देख रहे हैं बॉयलर का ट्रेंड है, बीटीएलडी का ट्रेंड है, बॉयलर में जब कोई ट्यूब फट गया है उसमें सेंसिंग रहता है, सेंसर लगा रहता है, वो आवाज आता है, फिर उसमें से पता चल जाता है। इसमें आपको फैनल दिख रहा है लेफ्ट एंड राइट साइड में, दोनों यूनिट का फैनल से, इसमें डीसीएस यूज किया हुआ है। आप सोच रहे होंगे डीसीएस क्यों, क्योंकि डीसीएस इसलिए यूज होता है कि बहुत सारे इनपुट्स आउटपुट ले सकते हैं। पीएलसी में बहुत कम इनपुट्स आउटपुट लेते हैं, इसलिए पीएलसी को बहुत कम यूज किया जाता है। डीसीएस में अभी अक्सर हर टिकान में डीसीएस ही यूज हो रहा है। आप इसमें मॉड्यूल्स दिख रहे हैं, इस मॉड्यूल्स में मेन डी आई ए आई एओ ए आई इस तरह के कार्ड्स लगे हुए हैं। ये नेटवर्किंग सिग्नल का कनेक्शन दिया हुआ है, ये सब इसी मॉड्यूल के थ्रू कंप्यूटर से एक प्रकार के नेटवर्किंग केबल के थ्रू लेके वहाँ से आप सिस्टम में सब चीज देख सकते हैं और उसको ऑपरेट भी कर सकते हैं। इस पैनल में बहुत सारे डी आई जितने भी इनपुट्स आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा है इस ओनली एक ही पैनल से लिया हुआ है। दोस्तों, उसके बाद में आता है कि कंट्रोल रूम के बाहर आने के बाद क्या क्या चीज होता है। जिस तरह मान लीजिए पावर प्लांट है, या आप पावर प्लांट में कुछ टर्बाइन देख रहे हैं, ये टर्बाइन यूज इसलिए होता है, बॉयलर में जो बना हुआ स्टीम है वो स्टीम से टर्बाइन को घुमाने के लिए इस टर्बाइन का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारा कोयला बाहर से आता है, उसको जला, उसको एक मिल में उसको पीस के यानी उसका एक पाउडर बना के बॉयलर में छोड़ा जाता है, बॉयलर में फ्लेम दिया जाता है। बॉयलर में फ्लेम देने के बाद वो वहाँ पे 18 टेम्परेचर निर्मित होता है और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के पाइप में जो वाटर होता है उस वाटर को हीट होने के बाद उसमें स्टीम निर्मित होता है और ड्रम में जाता है। ड्रम से निकल के मेन स्टीम लाइन आती है और एचपी टर्बाइन को मारती है, उसके बाद में आईपी टर्बाइन को मारती है, उसके बाद में रिटर्न आके एलपी टर्बाइन को मारता है। ये इस तरह का प्रेशर 160 केजी प्रेशर आके जब एलपी टर्बाइन को मारता है उस टाइम में रोटेट होने लगता है टर्बाइन का रोटर। उसके बाद में जनरेटर आता है, जनरेटर में बहुत बड़ा वाला रोटर लगा हुआ रहता है उसका, फिर 1 मिनट में 3000 आरपीएम पे वो रोटेट होने लगता है, उसके बाद में वो विद्युत जनरेट होता है। और उस टर्बाइन को कितने पे घुमाना है, कितना स्पीड में घुमाना है, कितना लोड देना है, ये सब ये काम यहाँ पे लगे हुए हाइड्रोलिक वाल्व काम करते हैं। जिस तरह मान लीजिए हर प्रकार के हाइड्रोलिक वाल्व्स होते हैं यहाँ पे, ऐसे आईवी जीवी टीवी अलग अलग प्रकार के नाम से जाने जाने वाले कुछ वाल्व्स हैं, उसी के हिसाब से हम टर्बाइन को कम ज़्यादा घुमा सकते हैं, लोड के ऊपर डिपेंड होता है। दोस्तों, अभी देखिए अगर टर्बाइन स्पीड से चल रहे हैं यहाँ पे, इस 1 से 7 तक कुछ बेरिंग्स रहते हैं, उस बेरिंग्स पे वाइब्रेशन नहीं आना चाहिए करके वाइब्रेशन सेंसर
टेम्परेचर सब लगा हुआ रहता है। जब भी कोई अभी देख रही है इसमें कितना स्पीड से घूम रही है, जब रोटर जब रोटेट होने लगता है उस टाइम उसमें एक प्रकार का वाइब्रेशन नहीं आना चाहिए करके उसमें टू ट्रिपिंग सिस्टम देते हैं। टेम्परेचर बेरिंग के अंदर टेम्परेचर लगे रहते हैं, वो बेरिंग ज़्यादा हीट होने लगा तो बेरिंग आपको बता देगी कितना टेम्परेचर आ रहा है, उसके बाद वो ट्रिपिंग कर सकता है। अगर ट्रिपिंग नहीं करेगा तो उसमें बेरिंग डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए ये सब सिस्टम लॉजिक इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से लिया जाता है, उसमें एक लॉजिक बना हुआ रहता है उस सब चीज में, फिर उसी से सब सुरक्षित चलता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे टर्बाइन को ऊपर से आने वाली लाइन कैसे टर्बाइन को प्रेशर से घुमा रहा है, आप देख रहे हैं इसमें सब अलग अलग तरह का पाइप्स लगे हैं। ये सबसे बड़ा मेन काम होता है एसपी टर्बाइन। जब टर्बाइन में पानी नीचे गिरने के बाद उसको कूलिंग के लिए है, यहाँ पे कुछ कूलिंग वाटर सिस्टम लगे हुए हैं। ये कूलिंग टावर से आता है और कंडेंसर को अंदर जाके कूलिंग करता है, ताकि ऊपर से जब टर्बाइन पे ज़्यादा 500 डिग्री सेल्सियस इतना तापमान का जो प्रेशर वाटर रहता है वो नीचे गिरने के बाद उसको कूलिंग करने के लिए एक प्रकार का कूलिंग टावर का यूज़ किया जाता है कि वो नॉर्मल ठंडा करे और ठंडा होकर रिटर्न फिर से बॉयलर में जाए, फिर से गर्म होकर फिर ऐसे इस प्रकार का सर्कुलेटिंग होना चाहिए करके इस तरह का उसको यूज किया जाता है। उसके बाद में आपको हाइड्रोलिक सिस्टम, तो एसपीएलपी बाईपास सिस्टम क्या है, मेन स्ट्रीम को यूज़ करते हैं, एचआरएचएस लाइन को स्ट्रीम को यूज़ करते हैं, एचआरएचएस स्ट्रीम की लाइन को यूज़ करते हैं। उसके बाद में उसको आप उसमें हाइड्रोलिक ऑयल रहता है उसमें लेवल कितना रहना चाहिए वो सब देखते हैं। एक्सटेंशन लाइन है, ये सब बॉयलर में सब यूज होता है। उसके बाद में दोस्तों ये सब लाइंस दिख रही है, किसके लाइन है? अभी मान लीजिए टर्बाइन में एक प्रकार का जब वो रोटर इतना स्पीड से चल रहा है, जनरेटर के अंदर बड़े बड़े वाइंडिंग्स लगे हैं, उसके वाइंडिंग के अंदर से एक ट्यूब्स रहते हैं, उस ट्यूब्स में है स्टेटर वाटर की सिस्टम में कुछ कूलिंग का उपयोग किया जाता है, ताकि रोटर एक साल से ऐसे राउंड में घूम रहा है तो उसमें हीट नहीं होना चाहिए करके कूलिंग दिया जाता है जनरेटर को, जनरेटर के अंदर के जो वाइंडिंग है उनको, ताकि वो ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखे। इस तरह सबसे बड़ा मेन काम होता है पावर प्लांट में बीएफपी का, बॉयलर फीड पंप। बॉयलर फीड पंप ये डायरेक्ट अपने डायरेक्टर से आता है, डायरेक्टर से आने के बाद उसको रोटेट करके रिटर्न एसपी हीटर थ्रू एफआरएस के बाद में इकोनोमाइजर के बाद में वो ड्रम में, इस तरह उसका एक सर्कुलेटिंग पोजिशन होता है। टर्बाइन एक साल से रोटेट होने लगता है, टर्बाइन में कुछ वैक्यूम निर्मित होता है, वो वैक्यूम पंप से बाहर निकाला जाता है दोस्तों। इस तरह विद्युत जनरेट किया जाता है। बॉयलर में हर प्रकार के इंस्ट्रूमेंट दिखाई दिए जाते हैं, लेकिन कोई भी इंडस्ट्री में हो, आप जहाँ पे हो वहाँ पे सब इंडस्ट्री में आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दिखाई दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लाइन से प्रेशर लाइन से प्रेशर जा रहा है, उसमें कितना प्रेशर रहना चाहिए, कितना मेंटेन तक प्रेशर उसमें डेवलप होके रहना चाहिए और रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें आगे कितना भेजना चाहिए, सब चीज़ यहाँ पे हम ट्रांसमीटर देख सकते हैं। प्रेशर गेज लगे रहते हैं, इस कोई भी एक चीज़ के प्रेशराइज एडर में कितना प्रेशर रहना चाहिए ये हम ताकि समझ पा सकें। कंट्रोल रूम में एक प्रकार का पता होना चाहिए कि इस लाइन में प्रेशर कितना है और उसका लाइन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो सामने प्रॉब्लम हो सकती है, उसका एक मेंटेन टेम्परेचर रहना चाहिए और ताकि हमको आइडिया हो सके, लॉजिक के सिस्टम अनुसार सब बराबर चल सके। दोस्तों इस वीडियो में आपको एसपीटर दिखा दे रहा है, एसपीटर में वाटर लाया जाता है, वाटर को फिर बॉयलर में भेजने का उपयोग किया जाता है। एसपीटर में इस प्रकार का लेवल गेज रखा हुआ है ताकि समझ सके कि वाटर लेवल कितना है और स्टीम लेवल भी कितना है, इस पे एसपीटर में इस लेवल गेज से पता चल सके। और इसमें हर प्रकार के टेम्परेचर गेज लगे हुए हैं कि उसका डीपी कितना दिखाया हुआ है, उसका प्रेशर कितना दिखाया हुआ है, वो सभी इसमें मेंटेन करके इस गेज में रखा हुआ है। और आपको यहाँ पे कुछ एमओयूज लगे हैं, मोटराइज्ड वाल्व, जो ताकि कितना प्रेशर कितना फ्लो सामने पहुँचाना है ये काम करते हैं। उसमें लेवल ट्रांसमीटर भी आपको दिखाया हुआ है,
कि यहाँ पे देखिए ORT उसका लेवल ट्रांसमीटर रखा हुआ है, या लेवल यानी इसमें वाटर कितना भरा हुआ है, सब चीज मेंटेन करके चलाया जाता है। इस तरह अलग अलग प्रकार के ट्रांसमीटर से लेवल कितना होना चाहिए। अगर उसका ORT का लेवल अगर कम हो जाएगा तो बालर में भेजने के लिए दिक्कत हो जाएगी। कोई हार्टवेयर लेवल सिस्टम है, हार्टवेयर लेवल कितना चाहिए, कंडेंसर में कितना पानी होना चाहिए, ऊपर से जब स्टीम आके नीचे गिरती है तो उसका लेवल कितना मेंटेन रखना चाहिए, ये सब इस पे डिपेंड होता है, तभी तो वो आगे वाला प्रोसीजर क्लियर कर सके। हर चीज का कोई एक रूल्स होता है। इसी तरह दोस्तों आप इसमें ट्रांसमीटर देख रहे हैं, इसके मैनिफोल्ड्स देख रहे हैं, दोस्तों MOV का काम हर इंडस्ट्री में होता है, यानी सिचुएशन लाइन में, क्रिटिकल लाइन में MOV का यूज किया जाता है। जहां पे मेन स्ट्रीम लाइन है वो सबसे उपयुक्त होता है, जिस तरह कंट्रोल वाल की तरह काम करता है, लेकिन वो कंट्रोल वाल ओनली एयर में, एयर के लिए यूज, एयर से ही ऑपरेट होता है, लेकिन मोटराइज्ड वाल ओनली ये मोटर से ऑपरेट होता है। देखिए दोस्तों कुछ एडर में इस प्रकार के टेम्परेचर ट्रांसमीटर लगे हुए हैं, इस तरह का कंट्रोल वाल भी इसमें लगा हुआ है। जब टर्बाइन ओपन हो जाता है, जब इस टाइम में शटडाउन लिया जाता है, उस टाइम इस तरह का टर्बाइन को खुला हुआ दिखने को मिलता है। अभी यहाँ पे आप LP टर्बाइन निकाला हुआ है, ये रोटर है, कितना बड़ा ब्लेड्स लगे हुए हैं इसके, आप देख सकते हैं नज़दीक से। एक एक ब्लेड को यहाँ पे क्लीनिंग करके फिर माउंटिंग किया जाता है, ताकि सामने फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो करके। ये LP टर्बाइन का कवर खोल के नीचे नीचे लेके जाते हुए और इसको भी एक प्रकार का क्लीनिंग किया जाता है। वो सावधानी से इसको सब चीज को निकाल के उसको रखा जाता है। अभी देखिए जनरेटर में जितना बड़ा रोटर्स रहता है, जनरेटर के अंदर रखा हुआ रहता है, ये सब इनबिल्ट रहता है। पहला बेरिंग से 7 बेरिंग तक ये सब इनबिल्ट रहता है। जब ये टर्बाइन LP टर्बाइन को प्रेशर से मारा जाता है, उस टाइम में ये रोटर घूमता है। रोटर घूमने के बाद आपको तो पता है मैग्नेटिक फोर्स निर्मित होकर वो विद्युत करंट बाहर निकलती है, इसी तरह इसको यूज किया जाता है। ये सबसे मेन काम होता है टर्बाइन में, मेन पहला नंबर वाला मेन बेरिंग, ये होता है सबसे क्रिटिकल।